स्टूडेंट आज हम डार्विन वाद और नव डार्विन वाद के अंतर पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि डार्विन वाद और नव डार्विन वाद में क्या अंतर है। डार्विन वाद के अनुसार जीवों में परिवर्तन धीरे धीरे होता है। डार्विन वाद में परिवर्तन जीवों में धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन नव डार्विन वाद के अनुसार जीवों में परिवर्तन आकस्मिक या अचानक से होता है। इसमें सूक्ष्म विभिन्नताओं को स्थान दिया गया है। डार्विनवाद में सूक्ष्म विभिन्नताओं को स्थान दिया गया है, जबकि नव डार्विनवाद में दीर्घ विभिन्नताओं और उत्परिवर्तन को महत्व दिया गया है। डार्विनवाद केवल प्राकृतिक चुनाव पर बल देता है, लेकिन इसमें पहले उत्परिवर्तन की प्रक्रिया होती है और बाद में इसमें प्राकृतिक चुनाव होता है। डार्विनवाद इसमें उत्परिवर्तनवाद का कोई महत्व नहीं होता। डार्विनवाद उत्परिवर्तनवाद को नहीं मानता है, जबकि नव डार्विनवाद उत्परिवर्तनवाद तथा डार्विनवाद का सम्मिश्रण है। तो ये बच्चों आपका डार्विनवाद और नव डार्विनवाद में अंतर था। इसको आप अच्छे से याद भी करेंगे और तैयार।